नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन पावर चैनल में। और ये इकोनॉमिक्स का वीडियो है, सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है 151 से, 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो इसको प्रस्तुत किया गया 1944 में। नेक्स्ट है, गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? तो ये अप्रैल 1944 को। नेक्स्ट है, गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? तो ये मन्ना रायण। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो ये 1948 में। औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना था? 1951 में। अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज के स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? 30 जनवरी 1950। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? जय प्रकाश नारायण। नेक्स्ट, कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1957। योजना आयोग किस तरह की संस्था है, यानी यह थी, अब इसकी जगह पे नीति आयोग आ चुका है, यानी अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो ये 1951 से 1956। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? ये 1956 से 61। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? राउरकेला यानी उड़ीसा में है ये, भिलाई छत्तीसगढ़ में, व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1961 से 66। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्ति बनाना। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गईं? 1966 से 1969। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? यानी किसी भी योजना के दौरान नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1966-67 में योजना अवकाश के दौरान हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कृषि क्षेत्र में जो हरित क्रांति का आरंभ हुआ है वो योजना अवकाश के दौरान हुआ, और वो 1966-67 था। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 1969 से 74। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? अशोक रुद्र एलन एस मात्रे। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई? चौथी 14 बैंकों को राष्ट्रीय, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1969। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पांचवी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974-79।
पांचवी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? 1978। नेक्स्ट तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।